रखमान रखी वल्लु खैरज़की आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फाइव टाइप्स ऑफ आइसक्रीम वो भी होम मेड तो चलें स्टार्ट करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी आपको टिप्स वगैरह बताई हुई हैं घर में आइसक्रीम बनाने की कि किस तरीके से बेस्ट आइसक्रीम बन सकती है तो चलें वीडियो की तरफ सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शाही मैंगो कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी टू मैंने ब्रेड के पीस लिए थे उनके एजेस वगैरह मैंने काट लिए थे और छोटे छोटे पीस का लिए ये भी ये आप डाल दीजिए ग्राइंडर में या चॉपर में जिसमें आप बना रहे हैं तो इसमें डाल दीजिए थ्री टू फोर टेबल स्पून मिल्क के और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है तो मैंने मैंगो लिए थे और इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से पीस लिया और इनका मैंने पल्प बना लिया हैवी व्हिपिंग क्रीम टू कप डेंस मिल्क वन कैन हाई मिल्क टू टेबल स्पून पाउडर हरी इलायची का पाउडर ये मैंने सिक्स ली थी और इनका पाउडर बना लिया ये भी डाल देनी है ला के आपने सब कुछ मिक्स कर लेने हैं थ्री मिनट के लिए मोल्ड या कंटेनर में आप बनाएं उसको पहले फ्रीज़र में रख हाफ आवर के लिए और उसमें आपने ये मेज़ा डाल देना है और इसको रख दीजिए फ्रीज़र में सिक्स टू एट आवर के लिए इसके बाद मैं दिखाऊंगी जो बाकी चीज़ें किस तरीके से इनमें शामिल करनी है नेक्स्ट आइसक्रीम है हमारी स्ट्रॉबेरी की वन कप मैंने स्ट्रॉबेरी ली है इनको काट लिए है स्पून शुगर के लिए लेमन लिए है ये भी इसमें डाल देना है इसको मिक्स कर लीजिए इसको भी डाल देना है आपने ग्राइंडर में ट्रेनर में डाल दीजिए ताकि इसके एक्स्ट्रा जो सीड्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए इसी तरह से आपने टू ब्रेड के पीस लेने हैं इनके किनारे काट लेने हैं और उसी तरीके से आपने मिल्क और ब्रेड मिक्स करके पहले इनको ग्राइंड कर लेना है इसके बाद आपने डाल देनी है बाकी चीज़ें स्ट्रॉबेरी जो अभी मैंने इसका पल्प बनाया था आइसक्रीम जो जितनी भी आपसे मैं शो कर रही हूँ सबकी रेसिपी तकरीबन बेस एक ही है ब्रेड भी डालने का मकसद यह है कि इसमें फिर क्रिस्टल नहीं बनते तो इसके बाद आप डाल दीजिए टू कप हैवी व्हीपिंग क्रीम मिल्क वन कैन और ये सब लेके आपने ग्राइंड कर लेना है और डाल दीजिए आइसक्रीम मोल्ड में और सिक्स टू तो एट आवर ये भी आप साथ रख दीजिए आइसक्रीम थर्ड रेसिपी हमारी पीच की इसके लिए भी मैंने टू पीस ब्रेड के लिए थे जैसे पहली ब्रेड में लिए हैं पीस काट लेने हैं और थ्री फोर टेबल स्पून आप इसमें मिल्क डाल के इसको पहले आपने ग्राइंड कर लेने पीच मैंने लिए हैं वन कैन ली है मैं कैन वाले यूज़ कर रही हूँ आप फ्रेश भी यूज़ कर कर सकते हैं मुझे मिले नहीं थे फ्रेश तो अगर फ्रेश यूज़ करें तो पहले इनका पल्प बना लें तो ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है टू कप मैंने लिए हैवी व्हिपिंग क्रीम मिल्क वन कैन ये लेके भी मिक्स कर लेना है फोर्थ रेसिपी हमारी लीची की मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी थी और मेरी बहुत ज़्यादा ये फेवरेट भी है इसके लिए भी टू पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं ये लीची जो है मैं कैन वाली ले रही हूँ किसी भी एशियन मार्केट से या पाकिस्तानी इंडियन स्टोर से आपको मिल जाएगी ये वन एंड हाफ कप मैंने लिया और कुछ मैंने चंक्स के लिए रखी है इसको भी डाल दीजिए इसमें हैवी विपिंग क्रीम टू कप मिल्क वन कैन ये लेके सारा मिक्स कर लीजिए लास्ट रेसिपी है एवरीबॉडीज फेवरेट आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम की इसके लिए मैंने लिए हैं थ्री टेबल स्पून कोको पाउडर और इसको आपने इस तरीके से स्ट्रैंडर में डाल के छान लेने इसके लिए भी मैंने टू ब्रेड के स्लाइस लिए थे इनके किनारे काट लिए हैं तो ये डाल दीजिए जग में साथ टू टू थ्री टेबल स्पून डालिए मिल्क के सबसे पहले इसमें डाल दीजिए कोको पाउडर और इसको थोड़ी देर चला लेना है आपने डाल दीजिए टू कप हैवी व्हीपिंग क्रीम इस मिल्क वन कैन लिए मैंने ये डाल के मिक्स कर लेना है तो इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए रनी सी होनी चाहिए तो इसको आप डाल दीजिए मोल्ड में इस तरह से सारी आइसक्रीम आप रेडी करके रख दीजिए फ्रीजर में सिक्स आवर के लिए अभी ये इसकी बेस सिर्फ बनी है आइसक्रीम कंप्लीट नहीं हुई मैं इसके बाद आपको सिक्स आवर के बाद दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है सिक्स आवर हो गया इसको रखे हुए चेक कर लेते हैं सबसे पहले मैंने जो मैंगो कुल्फा बनाया था इस तरह से करके आपने सारा ये निकाल लेना है एक बॉल में डालते जाएं इसको दोबारा बीट करेंगे इसका मकसद ये है कि इसके बाद फिर इसमें क्रिस्टल जो है बिल्कुल नहीं बनेंगे जैसे बिल्कुल आइसक्रीम बाज़ार की होती है वैसे होती है ये मैं बीट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसके बाद जो मैंगो हैं आपने इसके छोटे छोटे पीस करके ये हैफ़ कप मैंने लिया है इस तरीके से आप अगर चंक इसमें डालेंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं ये आपने डाल देने और साथ ही चॉप आलमंड हैं वन टेबल स्पून ये भी इसमें डाल दें चॉप पिस् ये भी डाल देने और ये डाल के मिक्स कर लें साथ ही ये मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास केवरा वाटर है या रोज़ वाटर या कोई भी एसेंस जो आपको पसंद है वो आप डाल लें बिल्कुल थोड़ा सा डाल लें टू थ्री ड्रॉप्स ये डाल के मिक्स करके आपने इनको भी जो सारी आइसक्रीम है रख देना सिक्स फोर टू सिक्स आवर के लिए फ्रीजर में इसी तरह से हाफ कप मैंने स्ट्रॉबेरी छोटी छोटी काट ली थी ये स्टेप है बिल्कुल ऑप्शनल है आपकी मर्जी है, आप चंक्स डालना चाहें या नहीं लेकिन इससे बड़े अच्छे जब मुंह में आते हैं तो लगती है तो अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसी तरीके से भी एज इट इज़ रख सकते हैं फ्रीज़र में सिक्स आवर के लिए तरह से ये लीची है ये भी डाल दीजिए साथ ही मैंने ये हैफ़ कप लिया है चॉकलेट चिप्स ये भी डाल दीजिए इसमें मिक्स कर लेना लास्ट में है पीच आइसक्रीम डाल के मिक्स कर लीजिए तो मिलते हैं फिर सिक्स आवर के बाद और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक आपको आइसक्रीम हमारी रेडी है आप देख सकते हैं बहुत आराम से बहुत ज़बरदस्त ये बनी है मैं निकालती जाती हूँ फिर हिसी दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक इसकी रेसिपी हमारी रेडी है बहुत आसानी से बनने वाली बगैर केमिकल्स के आपने देखा बहुत आ, आराम से ये बन गई है घर में थोड़े खर्च में आप आ, ट्राई कीजिए स्टेप बाई स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल जी बाज़ार से किसी तरह से भी मुख्तफ नहीं है बल्कि ज़्यादा अच्छा फ्रेश टेस्ट है इसमें मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ये मैंगो कुल्फा है इसी तरह से सारी आइसक्रीम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब भी करें ओके अल्लाह हाफिज़